हेलो स्टूडेंट्स, सनराधा मैम हियर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेक कंसेप्ट इजी। आज के वीडियो लेक्चर में क्लास 12 अकाउंटेंसी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आपको सोल्व करवाऊंगी। फुल कंसंट्रेशन के साथ आप पूरा वीडियो लेक्चर देखना, क्योंकि इसी तरह के क्वेश्चन आपके फाइनल एग्जाम में पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन लेते हैं। इन केस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल आर फिक्स्ड, इन विच अकाउंट विल विड्रोअल ऑफ कैपिटल बी रिकॉर्डेड। देखो, अगर पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट फिक्स कैपिटल अकाउंट है तो हम विड्रोअल ऑफ कैपिटल कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? इसे हम रिकॉर्ड करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। देखो, जब पार्टनर के फिक्स कैपिटल होते हैं तो फिक्स कैपिटल में हम दो अकाउंट बनाते हैं। एक बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और दूसरा बनाते हैं पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो जो भी कैपिटल से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस होते हैं उन्हें हम हमेशा पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। तो इसका आंसर होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मोना एंड टीना वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। नैना वॉज एडमिटेड विद 1/6 शेयर इन द प्रॉफिट ऑफ द फर्म। At the time of admission, workmen compensation reserve appeared in balance sheet of the firm at ₹32,000. The claim on account of workmen compensation was determined at ₹40,000. Excess of claim over the reserve will be debited to revaluation account. देखो, जब workmen compensation reserve की amount से क्लेम की अमाउंट ज्यादा होती है तो ये हमेशा पार्टनर्स के लिए एक लॉस होता है और इसे रिवैल्यूएशन अकाउंट में हमेशा डेबिट किया जाता है और इस लॉस को पार्टनर्स आपस में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की अमाउंट कितनी थी जो बैलेंस शीट में अपीयर हो रही थी? वो थी ₹32,000, लेकिन क्लेम कितना डिमांड कर रहे हैं एम्प्लॉइज? वो है ₹40,000। इसका मतलब ₹8,000 का लॉस हुआ है। ये ₹8,000 का जो लॉस है इसे हम डेबिट करते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट में, और जो ये लॉस है ₹8,000 इसे पार्टनर्स आपस में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन इज, दिया, रिया एंड टिया वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 2:3:5। Tia died on 28 November 2019. Her share of profit was taken equally by Dia and Riya. Dia's share of profit in the new firm will be dash. देखो, तीन पार्टनर है, दिया, रिया और टिया। टिया की डेथ हो जाती है। टिया का शेयर कितना है? टिया का शेयर है 5/10। 5/10 शेयर को दोनों ही पार्टनर दिया और रिया इक्वली ले रही हैं, तो 5/10 का आप हाफ निकालेंगे, कितना हो गया? 5/20। 5/20 ही लिया है दिया ने और 5/20 लिया है टिया ने। तो हमें यहाँ पर दिया का शेयर फाइंड आउट करना है न्यू फर्म में। तो दिया का ओरिजिनल शेयर कितना है? ओरिजिनल है 2/10। 2/10 में हम ऐड कर देंगे 5/20, तो यहाँ पर 20 आएगा। एलसीएम 4+5=9/20। ये हो जाएगा दिया का नया शेयर, तो आंसर होगा 9/20। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक्स एंड वाई वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 7:3। जेड वाज एडमिटेड फॉर 1/5 शेयर इन द प्रॉफिट्स विच ही टुक 75% फ्रॉम एक्स एंड रिमेनिंग फ्रॉम वाई। कैलकुलेट सेक्रीफाइसिंग रेशियो ऑफ एक्स एंड वाई। देखो, एक्स और वाई दो पार्टनर्स है फर्म में जिनका रेशियो है 7:3। जेड नया पार्टनर एडमिट हुआ है 1/5 शेयर के लिए, और जो ये 1/5 शेयर है वो उसने 75% लिया है एक्स से, और रिमेनिंग यानी 25% लिया है वाई से। तो यहाँ पर आपको x और y का सेक्रीफाइसिंग रेशियो फाइंड आउट करना है कि x ने कितना सेक्रीफाइस किया और y ने कितना। सबसे पहले आप 1/5 का 75% कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3/20। 3/20 शेयर उसने लिया है x से,
और जो रिमेनिंग 25% है वो लिया है y से। अब आप 1/5 का 25% भी फाइंड आउट करेंगे तो ये आ जाएगा 1/20। 1/20 सेक्रीफाइस किया है y ने, तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या हो जाएगा? सेक्रीफाइसिंग रेशियो हो जाएगा 3:1, क्योंकि x ने सेक्रीफाइस किया है 3/20 शेयर और y ने सेक्रीफाइस किया है 1/20 शेयर z को, तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो होगा 3:1। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये क्वेश्चन हम नहीं करेंगे क्योंकि ये आपके सिलेबस में नहीं है, एनपीओ आपके सिलेबस से डिलेटेड है। तो हम ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7। ए बी एंड सी वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। सी रिटायर्ड एंड हिज कैपिटल बैलेंस आफ्टर एडजस्टमेंट रिगार्डिंग रिजर्व एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस एंड हिज शेयर ऑफ गेन ऑन रिवैल्यूएशन वाज ₹2,50,000। सी वॉज पेड ₹3,22,000 इंक्लूडिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल। द अमाउंट क्रेडिटेड टू सीज कैपिटल अकाउंट ऑन हिज रिटायरमेंट फॉर गुडविल विल बी ₹72,000। देखो इस क्वेश्चन का मतलब क्या है कि तीन पार्टनर है ए बी सी, सी रिटायर हो जाता है फर्म से, सी के रिटायर होने के बाद उसको जो रिजर्व एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स और लॉसेस जो भी गेन है रिवैल्यूएशन का वो सारा था ₹2,50,000, लेकिन सी को पे किया गया था ₹3,22,000। इस अमाउंट में गुडविल की अमाउंट भी इंक्लूडेड थी, तो गुडविल की अमाउंट कितनी थी आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? आप लिखेंगे ₹3,22,000 माइनस ₹2,50,000, तो जो डिफरेंस आएगा वो है ₹72,000। जो ये ₹72,000 है ये है गुडविल की अमाउंट, तो आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, राहुल साहिल एंड जतिन वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 4:3:2। राहुल डाइड ऑन 15th October 2017। एट दैट टाइम द कैपिटल ऑफ साहिल एंड जतिन आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट वर ₹3,56,000 एंड ₹2,40,000 respectively. साहिल एंड जतिन डिसाइडेड टू एडजस्ट देयर कैपिटल अकॉर्डिंग टू न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बाय ओपनिंग करंट अकाउंट। कैलकुलेट न्यू कैपिटल ऑफ साहिल एंड जतिन। देखो तीन पार्टनर है राहुल साहिल और जतिन। राहुल की डेथ होने के बाद साहिल और जतिन का न्यू रेशियो बनता है 3:2। जब राहुल की डेथ हो जाती है उस समय साहिल और जतिन इन दोनों का कैपिटल है ₹3,56,000 और ₹2,44,000। तो न्यू फर्म का कैपिटल कितना होगा? 3,56,000 में आप ऐड करेंगे 2,44,000। 3,56,000 प्लस 2,44,000, तो न्यू फर्म का कैपिटल आ जाएगा ₹6,00,000। अब देखो दोनों पार्टनर डिसाइड करते हैं कि ₹6,00,000 को 3:2 के अकॉर्डिंग एडजस्ट करेंगे, तो साहिल और जतिन का कैपिटल न्यू फर्म में कैसे कैलकुलेट करेंगे? पहले आप 6 लाख का 3/5 शेयर निकालेंगे। 6 लाख का 3/5 शेयर कितना आएगा? ₹3,60,000। इसके बाद आप 6 लाख का 2/5 शेयर कैलकुलेट करेंगे, तो 2/5 शेयर आएगा ₹2,40,000। ये दोनों पार्टनर का कैपिटल होगा न्यू फर्म में। साहिल का कैपिटल कितना होगा न्यू फर्म में? ₹3,60,000 और जतिन का कैपिटल होगा न्यू फर्म में ₹2,40,000। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सन एंड स्टार वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 2:1। मून वॉज एडमिटेड एज अ न्यू पार्टनर इन द फर्म, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वॉज 3:3:2। मून ब्रॉट द फॉलोइंग एसेट्स टूवर्ड्स हिज शेयर ऑफ गुडविल एंड हिज कैपिटल। मशीनरी
2 lakh, furniture rupees 1,20,000, stock rupees 80,000 and cash rupees 50,000. If his capital is considered as rupees 3,80,000, the goodwill of the firm will be rupees 2,80,000. Answer is option B. कैसे गुडविल 2,80,000 आई, ये मैं आपको बता रही हूँ. सन और स्टार ये दो पार्टनर थे, इन्होंने मून को बिजनेस में एडमिट किया. मून मशीन, फर्नीचर, स्टॉक और कैश लेके आया है. इनका टोटल जब हम करते हैं तो टोटल आता है रुपीज 4,50,000. 4,50,000, लेकिन उसका कैपिटल बिजनेस में कंसिडर किया गया है रुपीज 3,80,000. इसका मतलब जो एक्सेस अमाउंट है वो लाया है गुडविल की फॉर्म में. देखो 4,50,000 में से आप माइनस करेंगे रुपीज 3,80,000, तो 70,000 रुपीज, ये जो डिफरेंस की अमाउंट आई है ये है मून के गुडविल की अमाउंट. मून बिजनेस में 3,80,000 तो कैपिटल लाया है और 70,000 लाया है गुडविल. लेकिन हमें तो क्वेश्चन में फर्म की गुडविल कैलकुलेट करनी है, हमें मून की गुडविल कैलकुलेट नहीं करनी. तो फर्म की गुडविल आप कैसे निकालेंगे? मून का शेयर आप रेसिप्रोकल करके मून की गुडविल से मल्टीप्लाई कर देंगे. देखो मून का बिजनेस में शेयर क्या है, मून का शेयर है 2/8, तो 2/8 को जब आप रेसिप्रोकल करेंगे तो हो जाएगा 8/2. इसे आप मल्टीप्लाई कर देंगे रुपीज 70,000 से, तो फर्म की गुडविल आएगी रुपीज 2,80,000. तो आंसर होगा रुपीज 2,80,000. क्लियर? यहाँ पर आपको मून की तो गुडविल कैलकुलेट करनी ही करनी है, उसके बाद आप फर्म की गुडविल भी कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि फर्म की गुडविल ही क्वेश्चन में पूछी है कि फर्म की गुडविल क्या होगी. तो फर्म की गुडविल होगी रुपीज 2,80,000. क्लियर? देखो इस क्वेश्चन में कई बच्चे 70,000 ऑप्शन को भी चूज करेंगे, लेकिन ये रोंग आंसर है, क्योंकि आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़ा करो. क्वेश्चन में पूछा है गुडविल ऑफ द फर्म विल बी, तो गुडविल ऑफ द फर्म विल बी रुपीज 2,80,000. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रोहन, मोहन एंड सोहन वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली. एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म, रोहन्स लोन टू द फर्म विल बी क्रेडिटेड टू बैंक अकाउंट. ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन. देखो यहां पर रोहन ने फर्म को लोन दिया है. फर्म क्या करेगी, सबसे पहले जो भी आउटसाइड लायबिलिटीज होती है उन्हें पे करती है, उसके बाद वो पार्टनर के लोन को पे करती है. तो रोहन का लोन जब फर्म पे करेगी तो एंट्री क्या होगी, रोहन्स लोन अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक अकाउंट. ये एंट्री होती है जब फर्म पार्टनर का लोन पे करती है. कभी भी रियलाइजेशन अकाउंट में पार्टनर्स लोन अमाउंट को ट्रांसफर नहीं किया जाता. तो यहां पर फर्म विल क्रेडिट बैंक अकाउंट, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक्सेस ऑफ इश्यू प्राइस ऑफ डिबेंचर ओवर इट्स फेस वैल्यू इज कॉल्ड प्रीमियम. ये आप हमेशा ध्यान रखना, जब भी फर्म चाहे वो शेयर इश्यू कर रही है या डिबेंचर इश्यू कर रही है, और अगर जो इश्यू प्राइस है वो ओवर इट्स फेस वैल्यू होता है तो उसे हम हमेशा प्रीमियम कहते हैं. जैसे डिबेंचर की फेस वैल्यू है रुपीज 100 और फर्म उसे इश्यू कर रही है रुपीज 120 पर, तो जो एक्सेस ऑफ रुपीज 20 है ये होगी प्रीमियम की अमाउंट. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डज नॉट रिलेट टू द रिजर्व कैपिटल. इट इज अ पार्ट ऑफ अनकॉल्ड कैपिटल ऑफ द कंपनी. इट कैन नॉट बी यूज ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी. इट कैन बी यूज फॉर राइटिंग ऑफ कैपिटल लॉसेस. इट इज अ पार्ट ऑफ सब्सक्राइब्ड कैपिटल. तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी.
देखो, जो रिजर्व कैपिटल की अमाउंट होती है वो पार्ट होता है अनकॉल्ड कैपिटल का, ये सही है। दूसरा, इट कैन नॉट बी यूज ड्यूरिंग लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी। ये कब यूज किया जाता है? ये यूज किया जाता है ड्यूरिंग वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। और तीसरा, ये सब्सक्राइब्ड कैपिटल का पार्ट होता है। तो जो ये ऑप्शन सी है, इट कैन बी यूज्ड फॉर राइटिंग ऑफ कैपिटल लॉसेस, ये रिलेट नहीं करता है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेम एन आइटम विच इज ट्रांसफर्ड टू क्रेडिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म बट डज नॉट इन्वॉल्व कैश पेमेंट। तो इसका आंसर होगा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डाउटफुल डेट्स। देखो, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स ये ऐसा आइटम है जिसमें सिर्फ प्रोविजन किया जाता है टू मीट अनसर्टेनिटी ऑफ डेट्स बाय डेटर्स। इसमें कोई भी आउटफ्लो ऑफ कैश नहीं होता। तो रियलाइजेशन अकाउंट में एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स को क्रेडिट साइड ट्रांसफर किया जाता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 15। देखो, क्वेश्चन 14 ये एनपीओ का क्वेश्चन है जो आउट ऑफ सिलेबस है। ये मैं आपको सॉल्व नहीं करवा रही हूं, मैं ले रही हूं क्वेश्चन नंबर 15। ये 4 मार्कर है, 1 मार्कर मैं आपको करवा चुकी हूं, अब मैं ले रही हूं 4 मार्क्स के क्वेश्चन। राम मोहन एंड सोहन वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 2:1:1। राम विड्रू ₹3,000 एवरी मंथ एंड मोहन विड्रू ₹4,000 एवरी मंथ। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग एट द रेट ऑफ 6% पर एनम वाज चार्ज्ड वेयर एज द पार्टनरशिप डीड वाज साइलेंट अबाउट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। शोइंग योर वर्किंग क्लियरली पास नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री टू रेक्टिफाई द एरर। देखो, ये पास्ट एडजस्टमेंट का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन में आपको टीएस गरेवाल बुक के जो भी एक्सरसाइज के क्वेश्चन है सारे आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। देखो, 3 पार्टनर है, राम मोहन और सोहन। इन तीनों का रेशियो है 2:1:1। राम ने ₹3,000 हर महीने विड्रॉ किए हैं और मोहन ने ₹4,000 हर महीने विड्रॉ किए हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग एट द रेट ऑफ 6% पर एनम वाज चार्ज्ड। इन दोनों से इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज किया गया है जबकि पार्टनरशिप डीड साइलेंट थी। देखो, एक चीज आपको क्लियर कर दूं कि जब पार्टनरशिप डीड साइलेंट होती है तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज नहीं किया जाता, लेकिन यहाँ पर पार्टनर से 6% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट चार्ज किया गया था, तो फर्म इंटरेस्ट जो चार्ज किया है पार्टनर को वो वापस करेगी। तो किस तरह से, सबसे पहले आप एडजस्टमेंट टेबल बनाएंगे और उसके बाद आप रेक्टिफाइंग एंट्री पास करेंगे। देखो, पहले हम राम की अमाउंट कैलकुलेट करते हैं जो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग की है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ये हम कैलकुलेट कर रहे हैं पहले राम का। राम ने कितनी अमाउंट विड्रॉ की थी? राम ने ₹3,000 हर महीने विड्रॉ किए थे, तो 3,000 को आप 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो राम की एक साल की ड्रॉइंग आती है ₹36,000। रेट कितना है? रेट है 6%। और देखो, डेट ऑफ विड्रोवल नहीं दी गई है, तो यहाँ पर हम एवरेज बेसिस लेंगे 6 मंथ, तो 6/12। राम की इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग की अमाउंट आ जाएगी ₹1,080। इसी तरह से निकालेंगे मोहन के इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग की अमाउंट। देखो, मोहन ने कितनी अमाउंट विड्रॉ की है एवरी मंथ? ₹4,000, तो इसे आप 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो अमाउंट आएगी ₹48,000 इंटू 6/100 इंटू 6/12। तो यहाँ अमाउंट आएगी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग की ₹1,440।
समझ आ गया या आपको इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग मैंने कैसे कैलकुलेट किया? जो फर्म ने चार्ज किया है जबकि पार्टनरशिप डीड साइलेंट थी, यानी राम से 1,080 रुपए लिए हैं और मोहन से 1,440 रुपए लिए हैं, जो फर्म अब उन्हें वापस करेगी। तो देखो किस तरह से आप एडजस्टमेंट टेबल बनाएंगे। अब देखो जो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग रोंगली चार्ज किया गया था पार्टनर से, अब उसे कैंसिल किया जाएगा। तो आप लिखेंगे कैंसिलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। और जब इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग को कैंसिल किया जाता है तो ये क्रेडिट बैलेंस होता है, यानी पार्टनर्स के अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा। राम को कितनी अमाउंट से क्रेडिट किया जाएगा? ₹1,080 से। मोहन को क्रेडिट किया जाएगा ₹1,440 से। सोहन पर कोई भी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज नहीं किया गया था, तो यहाँ हम करेंगे डैश और टोटल में आएगा ₹2,520। ये जो अमाउंट है ₹2,520, ये फर्म का लॉस है। अब इस लॉस को हम तीनों पार्टनर्स के बीच में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे लॉस, और रेशियो क्या है? ओल्ड रेशियो है 2:1:1। और जब भी लॉस को पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है तो उसका हमेशा डेबिट बैलेंस होता है, तो आप ब्रैकेट में कर देंगे डेबिट। 2,520 को जब आप 2:1:1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो राम के कॉलम में अमाउंट आएगी ₹1,260, मोहन के कॉलम में आएगी ₹630 और सोहन के कॉलम में आएगी ₹630। टोटल में अमाउंट आएगी 2,520। अब देखो आप पार्टनर के दोनों बैलेंस चेक करेंगे, जो ज्यादा बैलेंस होगा उसे पहले नीचे लिख देंगे। राम का क्रेडिट बैलेंस है 1,080 और डेबिट बैलेंस है 1,260। कौन सा बैलेंस ज्यादा है? डेबिट बैलेंस। तो आप डेबिट पहले नीचे लिख देना, फिर आप डिफरेंस निकालना। डिफरेंस आएगा ₹180। इसी तरह मोहन का बैलेंस चेक करेंगे, मोहन का क्रेडिट बैलेंस ज्यादा है तो आप नीचे क्रेडिट लिख देंगे और डिफरेंस है 810। मोहन का डेबिट बैलेंस ज्यादा है तो नीचे आप डेबिट लिख देंगे और अमाउंट आएगी 630। यहाँ पर आएगा डिफरेंस निल। अब देखो अब आप इजीली एंट्री पास कर सकते हैं। आपको क्लियरली यहाँ पर गिवन है कि किसे डेबिट करना है, किसे क्रेडिट। सोहन को आप डेबिट करेंगे, राम को आप डेबिट करेंगे और मोहन को आप करेंगे क्रेडिट। तो रेक्टिफाइंग एंट्री क्या होगी? रेक्टिफाइंग एंट्री होगी राम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट अमाउंट इज ₹180। दूसरा, सोहन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट अमाउंट इज ₹630। टू, मोहन्स कैपिटल अकाउंट अमाउंट विल बी ₹810। क्लियर? और नरेशन होगी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग रोंगली चार्ज्ड नाउ रेक्टिफाइड। ये होगी इसकी नरेशन। क्लियर? तो समझ में आया आपको किस तरह से हमने क्वेश्चन को सोल्व किया है? देखो क्वेश्चन क्या था कि तीन पार्टनर थे राम, मोहन और सोहन, इनसे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग एट द रेट ऑफ 6% चार्ज किया गया था, जबकि जो पार्टनरशिप डीड थी वो साइलेंट थी। तो जब पार्टनरशिप डीड साइलेंट होती है तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज नहीं किया जा सकता। तो जो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज किया गया था वो इन्हें वापस दिया गया है। तो हमने सबसे पहले एडजस्टमेंट टेबल बनाई, टेबल बनाने के बाद हमने रेक्टिफाइंग एंट्री पास की। क्लियर? तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। देखो जो ये टेबल है, टेबल के होते हैं 3 मार्क्स और जो आपकी एंट्री है, एंट्री का होता है 1 मार्क।
101% आपके एग्जाम में पास्ट एडजस्टमेंट का क्वेश्चन जरूर आएगा। सारे क्वेश्चन पास्ट एडजस्टमेंट के मैंने आपको डिटेल्ड वे में, इजीएस्ट मैनर में टीएस गरेवाल एक्सरसाइज बुक के करवा रखे हैं, तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो आप मेरी प्लेलिस्ट देख लेना पास्ट एडजस्टमेंट की, उसमें आपको सारे क्वेश्चन एक्सप्लेन मिलेंगे ताकि ये टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हो जाए, क्योंकि जरूर आपके एग्जाम में ये 4 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा। क्लियर? तो आज के वीडियो लेक्चर में बस मैं आपको इतना ही करवाऊंगी, जो रिमेनिंग पार्ट है क्वेश्चन पेपर का वो मैं डिस्कस करूंगी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। होपफुली आपको यहाँ तक सारा पेपर अच्छे से क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच।